जैसे कि मेरे पास भाई जुपिटर है ना, स्कूटी जुपिटर, उससे भी बहुत कम में, मतलब उससे भी ज्यादा एवरेज दे रही है ये। We looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still, I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't, mama shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste, I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know is ball hard, mama told me, boy, make sure you tie up your legs. When I was down bad, boy, I got on my knees, I started to pray. Now I'm breaking bread with my young vet, wins, he was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you, 12. They can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you, 12. They can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right, I pushed the. Then my rhyming is pivotal. Homie, the dash is digital. Gas residual. Fire and smoke like I'm needing a ritual. You bet my cash is on. I hit the gas, I'm gone. Riding my wave. I've been here stuck in my zone. I bet I blast them all. Sliding on faith. I've been out finding my ways. Grinding for days. I've been out shining the hate. All of y'all wanted for praise. Stuck in a phase. Lighter than turning a blaze. Yeah, homie, you don't wanna race. Nah, better to stick to your place. Yeah, want it all, I gotta taste. You push on the pedal, now I gotta skate. Yeah, all I ever know. Put me on this throne. Pinnacle. Push my buttons and that motherfucker go. What you know? What you own? Push it and I. Hey guys, welcome back to my channel. Hope करता हूं सब बढ़िया होगा और मस्त होगा। यार आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। जैसे कि आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट्स थे मेरे पास और मैसेज थे इंस्टाग्राम पर कि भाई अपनी कार का रिव्यू लेके आइए, तो आज हम आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं अपनी कार का रिव्यू। और मैंने अभी फाइनली इंस्टॉल करवाया अपनी कार में अलॉय व्हील्स, तो उसका भी आप देख सकते हैं जो मैंने व्लॉग बनाया था, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। और पहले यार जल्दी जाके यार आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है यार, आप देख तो सब रहे हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे यार, प्लीज जाके यार सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इतने अच्छे अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स निकालते हैं आप सबके लिए, बहुत अच्छी अच्छी कार्स लाते हैं ढूंढ ढूंढ के। तो यार एक सब्सक्राइब तो यार बनता ही है और लाइक भी बनता है और कमेंट्स भी बनता है यार, कमेंट्स से हमें मिलते हैं मोटिवेशन, तो जो कि आप कर नहीं रहे हो और ना हमें मोटिवेशन मिल रही है। तो इसीलिए कह रहा हूँ गाइस जल्दी से जाइए चैनल को भी यार सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत कर रहा तुम्हारा भाई और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज लाते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई सी भी कार का रिव्यू चाहिए तो मेरे को यार इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, फॉलो करिए। तो जैसे कि अभी तो हम जैसे साउंड टेस्ट कराते हैं हम कार का, तो उसका तो हम इसमें NCS चलाते हैं जो कि कॉपीराइट ना है, तो इंस्टाग्राम पर जाइए हमें फॉलो करिए, वहाँ पे हम आपको पंजाबी सॉन्ग में आपको साउंड म्यूजिक सिस्टम की सारी साउंड सुनाने वाले हैं, सब चीज़ सुनाते हैं और अच्छी अच्छी रील्स भी डालते हैं, तो वहाँ पर भी जाके हमें फॉलो करिए। तो बात है सीधा मुद्दे की बात पर, आपको पूरा इंट्रो दे दिया है मैंने और अच्छे से सब चीज़ बताऊँगा कि मेरे को अलॉय कितने के पड़े हैं और कैसा रिस्पॉन्स है, सब चीज़ बताऊँगा धीरे धीरे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या एवरेज दे रही है, सारी चीज़ A to Z बताने वाला हूँ और कौन सा वेरिएंट है, कौन सा मॉडल है, सब बताऊंगा। तो चलिए गाइस बिना किसी देर के स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। तो गाइस आज हमारे साथ है अपनी कार ऑल्टो, तो ये है LXi वेरिएंट 2012 मॉडल, और बात करूँ तो ये है कंपनी फिट CNG के साथ। तो अभी आपको चिड़िया की आवाज़ आ रही होगी, तो यार यहाँ पर ना वीडियो शूट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप देख रहे हो पूरी तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है और चिड़ियों की आवाज़ आ रही है मस्त। और आज यार गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जैसे कि आपने सिनेमैटिक शॉट देखे हैं तो यार उसका ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है उन्हें बनाने में आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज ना सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर है अब तक का। जैसे आपने देखा होगी बाहर की गाड़ी होती है उसमें CNG में दबती हैं चलने पे या AC पे बहुत ज़्यादा दबती है, तो इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं है, ये कंपनी फिटेड है तो इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। तो बात करें फ्रंट में मैंने क्या क्या कराया हुआ है, तो इसमें फ्रंट में मैंने कराया कुछ भी नहीं कराया है आप देख सकते हैं। तो अभी ना सारी चीज़ पूरी प्रॉपर मॉडिफिकेशन सीरीज आने वाली है अपनी इस कार पर, इसको बहुत तगड़ी बनाने वाले हैं हम। ये जो आप देख रहे होगे बॉडी कलर बम्पर नहीं आते इसके अंदर, ब्लैक बम्पर आते हैं, तो यार ये चीज़ बहुत ही खलती है मेरे को कि यार इसमें अगर कंपनी बॉडी कलर बम्पर दे तो यार और मस्त लगते ये, जैसे कि रियर वाला भी बॉडी कलर बम्पर नहीं है, तो मैं सोचा था इसको पेंट कराना पर अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर मैं पेंट कराऊंगा उसको तो वो हट जाएगा पेंट वेंट। तो बात करें इसमें जो लाइट्स हैं वो कंपनी वाली हैं सारी चीज़ें, अभी मतलब जैसी कंपनी से आती है ना उस तरीके से है, और मैं बात करूँ साइड से तो इसके जो हमने
मिरर है, साइड मिरर ये चेंज कराए हुए हैं, दूसरे वाले लगाए हुए हैं। एक इसमें डंडी वाला आता है वो नहीं लगवाया हुआ हमने, जो ऐसे उंगली से एडजस्ट हुआ था तो ये लगा हुआ है। अभी साइड लुक की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से, अभी अलॉय व्हील्स नहीं दिखाऊंगा, सिनेमैटिक में देख लिए होंगे पर अभी दिखाऊंगा बढ़िया तरीके से। साइड लुक की बात करें तो हमने ये लगाए हुए इसमें डोर वाइजर, रेन वाइजर बोलते हैं जिनको बहुत से लोग, तो अभी इसमें बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन सीरीज आने वाली है, तो उसके लिए यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बहुत मजा आने वाला है। तो अपनी कार कुछ इस तरीके से, मतलब सिंपल मेरे को ना कार चाहिए बस ऐसी जिसमें सिस्टम लगा हो और अलॉय व्हील्स लगे हों, क्योंकि ज़्यादा अगर ओवर करते हैं ना यार वो चीज़ अच्छी नहीं लगती मेरे को। और बात करें इसका रियर वाला बम्पर भी ब्लैक आता है जैसे मैंने अभी आपको बताया, और रियर में डिग्गी में इधर आपको मिल जाती है सीएनजी ग्रीन की बैजिंग, और मैंने इसमें लगाई हुई है ये पेटी। अभी सारी चीज़ अभी इंटीरियर में जाएंगे आपको सारी चीज़ बताऊंगा। और गाइस इस साइड पे आपको इधर सीएनजी कंप्लायंस प्लेट मिल जाती है, ये होती है जैसे कि कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद में ना जो अंदर सिलेंडर होता है कार में, जो सिलेंडर आता है कंपनी से वो होता है चेकिंग, उसको साफ वाफ करते हैं बढ़िया तरीके से, तो वो सारी चीज़ तेल वेल आ जाता है इसके अंदर जैसे सीएनजी भर्ती होगी कुछ ऐसा कुछ है वो, इतना नो डाउट मुझे पता नहीं है। तो अभी फिलहाल इसको उसने लगा दिया यहाँ पर, ये लगती है यार अंदर क्योंकि बाहर ये थोड़ी अजीब सी लगती है, तो इसको हम चेंज भी करवाएंगे। और साइड लुक की बात करें तो कुछ इतना खास नहीं है, ये सारी चीज़ें भी सब कराऊंगा। अभी शीशे भी ब्लैक करवाने हैं, मैं रिकमेंड तो नहीं करता पर यार अपने अपने शौक की बात है, अगर इतनी बढ़िया बनाई दी कार तो यार शीशे तो काले करवाने जरूरी है। बात कर लेता हूँ मैं इसकी टायर प्रोफाइल की, तो मैंने करवाई है 185 जो होती है इसकी चौड़ाई होती है, 45 इसकी मोटाई होती है, R15 मतलब 15 इंच का इसका टैस है, यानी कि मैंने 15 इंच इंस्टॉल कराए हैं, जो इसमें कंपनी से आते वो आते हैं 12 इंच, तो मैंने इसमें 15 इंच के अलॉय व्हील्स लगवाए हैं। और टायर की बात करें तो ये है कैंडा का, इसमें एक आता है लिंगलोंग। तो आप बहुत से जने बोलेंगे कि यार आप कैंडा का क्यों लगवाया, कैंडा में नॉइज आती है जब रनिंग करते हैं, तो यार हल्की फुल्की देखिए लिंगलोंग लगवाता तो लिंगलोंग में भी आवाज़ आती आती, तो बहुत बंदे कहते हैं कि लिंगलोंग लगाओ या कैंडा लगाओ, यार मेरे को तो यही बढ़िया लगा क्योंकि इससे लिंगलोंग से मोटा भी था, और जो इसकी ये वी वाली शेप होती है ना यार अलॉय व्हील्स में यही बहुत अच्छी लगती है, इससे ना टायर आपका बहुत बड़ा और चौड़ा चौड़ा सा लगता है, तो ये चीज़ इसलिए मैंने यही फिट करा ली, और इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी है लिंगलोंग से। अब मैं बात करूँ तो कैंडा का थोड़ा टायर महंगा आता है, लिंगलोंग का सस्ता आता है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ डलवा ली बढ़िया, नहीं तो डलवाने के लिए तो मैं अलॉय व्हील्स भी बहुत सस्ते में डल जाते मायापुरी से, वहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं बढ़िया पर वो रिपेयर्ड होते हैं, तो मैं तो वहाँ से सजेस्ट नहीं करता आप सभी लोगों को, और सारा ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप सबके साथ। तो ये अपना जो अलॉय व्हील है ये है चाइनीज़, जैसा आप सभी को पता ही, क्योंकि इंडिया में यार बहुत ही कम मिलेंगे आपको जो ओरिजिनल अलॉय व्हील्स रहते हैं कार में, क्योंकि यार ओरिजिनल अलॉय व्हील्स लेने जाओगे तो यार 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मतलब बहुत महंगा आ जाएगा। तो अब बात करता हूँ गाइस इसकी प्राइसिंग की, तो ये यार मेरे को पड़े हैं 35,000 रुपये के, 35,000 के। अब बहुत से यार अब किसी को, अब मैं सच बताऊँ मैं पहली बार ही मैंने इंस्टॉल कराया, मुझे नहीं पता कि मैंने महंगे लिए हैं सस्ते लिए हैं, पर अब मेरे को सारी चीज़ समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा ना तो मैं बढ़िया से सारी चीज़ देख लूँगा, पर मैंने पूरी मार्केट में रेट ट्राई कर लिया था, तो इसका रेट यही चल रहा था पूरी मार्केट में 35-38 इसका रेट चल रहा था, तो मेरे को ये अच्छे लगे थे तो मैंने ये डलवा लिया। और स्कैम भी बताऊंगा, जो अलॉय व्हील्स में स्कैम होता है उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा बहुत तगड़ी तरह, क्योंकि यार जब मैं गया था ना मेरे साथ भी एक स्कैम हुआ है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जैसे मैंने आपको बता दिया ये इंस्टॉल हुए 35,000 रुपये के, जो सबका क्वेश्चन था तो मैंने आंसर आपको दे दिया है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आपको जैसे कि ये देखिए, तो इसमें जो पावर विंडो है ये है भाई आफ्टर मार्केट, मतलब आफ्टर मार्केट ये मारुति की है ओरिजिनल, मिंडा की अपनी, तो ये मारुति की है। और अब बात करें इसमें इधर मिल जाती है इसका सीएनजी का बटन, इससे आप इसको सीएनजी पे भी लगा सकते हैं और पेट्रोल पर भी लगा सकते हैं। तो इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके से है, अभी आने वाले टाइम में मैं इसको चेंज कराने वाला हूँ बढ़िया से, इसको ये सारी चीज़ चेंज कराऊंगा, ये पिलर पे पिलर रैप कराऊंगा, सारी चीज़ कराऊंगा। और इंटीरियर में आपको स्टीरियो की बात करें तो आपको ये मिल जाएगा इसमें पॉइंटर का। तो आप सोच रहे होंगे तरुण भाई यार ये स्टीरियो तो आपका बहुत छोटा है, यार ये जितना छोटा ना उससे अच्छी इसकी साउंड है। और रैंप की बात करूँ तो इसमें लगा हुआ है एक 4 चैनल का रैंप, इसकी जो प्लेसमेंट है वो है येरी, दिखा देता हूँ मैं आपको ये रैंप, तो ये थोड़ा सा इसका पेंट वेंट भी हटा हुआ है तो इसको छोड़ते हैं। और आवाज़ जो है यार बहुत अच्छी है इसकी। अब चलते हैं पीछे की तरफ, तो मैं दिखा देता हूँ आपको पीछे मैंने क्या क्या करा हुआ है। तो ये देखिए, ये रखी अपनी बेस ट्यूब एल्पाइन SWT12S4, ये बस इसकी पेटी पेटी है, इसका बूफर है वो घर रखा है। और इसमें जो लगा हुआ है ये है बॉशमैन का बूफर, ये बाहर का इम्पोर्टेड बूफर है। और इसमें आप पीछे लगे हुए मैंने सोनी के 2 ओवल स्पीकर देख सकते हैं। और ये जो पेटी है ये बूफर पहले इसमें लगा हुआ था, तो अभी प्लानिंग कुछ और चल रही है, इसको बढ़िया तरीके से
मैं सोच रहा हूँ ये पीछे सारा चीज चेंज कराने की, तो उसके ऊपर इसलिए मैंने बेस्ट ओपनिंग यहाँ लगी हुई है, क्योंकि इसमें डिग्गी में रखा हुआ है इसका सिलेंडर, उसकी प्लेसमेंट मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो अभी सीट का इसमें कुछ अभी ज्यादा खास है नहीं, सारी चीज मैंने जैसा आप सभी को बताया, क्योंकि यार आप सबसे क्या छुपाना। तो अब गाइस आपको सुनाने वाला हूँ उसका ऑडियो रिस्पॉन्स की कैसा रहने वाला है, तो जल्दी से यार ईयरफोन्स लगा लो। तो मैं इसको चलाता हूँ यार ऑक्स से, तो ये मैंने ऑक्स के लिए लगाई हुई अपनी, तो प्ले कर देता हूँ मैं साउंड अपना। ईयरफोन्स जरूर लगा लेना, और अब अगर आपको पंजाबी सॉन्ग में इसकी साउंड सुननी है तो इंस्टाग्राम पर मैं वीडियो डाल दूंगा, तो उसमें आप सुन सकते हैं, क्योंकि यार NCS में अलग साउंड आती है और पंजाबी सॉन्ग रहते हैं उसमें अलग साउंड आती है। तो मैं प्ले करता हूँ अपना सॉन्ग। अभी आपको ऑडियो रिस्पॉन्स सुना दिया है, तो आप सब बता देना कि कैसा था मेरा ऑडियो सेटअप। तो मेरे को तो यार बढ़िया लगता है, क्योंकि इनफ है मेरे लिए, इतना बेस भी बढ़िया आता है और अपने जो स्पीकर्स हैं उनकी वोकल भी अच्छी आती है, तो मेरे लिए तो इतना बढ़िया है। अगर कभी अपग्रेड करेंगे तो आप सभी को बता देंगे। वैसे अभी एक बूफर हम ऐड ऑन करने वाले हैं इसके अंदर, पीछे जो पेटी है ना आप जो देखा दिखाई थी मैंने आपको, तो उधर पीछे पूरी पेटी बनवाने वाला हूँ ऐसा मैंने सोचा है। अभी देखते हैं क्या चलता है, क्या सीन, वो सारी चीज़ आपको दिखा दूंगा। पूरी कार आपने देख ली है, और अभी अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशन कराने वाले हैं, जैसे कि हम इसकी हेडलाइट भी चेंज कराने वाले हैं, टेल लाइट चेंज कराने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कराने वाले हैं इसके अंदर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगाने वाले हैं। तो आप सभी अब सोच रहे होंगे कि भाई ये एवरेज क्या दे रही है, तो अभी मैं बताता हूँ इसकी एवरेज। यार एवरेज सुनोगे ना तो मतलब हैप रह जाओगे, जैसे कि मेरे पास भाई जुपिटर है ना, स्कूटी जुपिटर, उससे भी बहुत कम में, मतलब उससे भी ज़्यादा एवरेज दे रही है ये, मतलब इस जुपिटर से ज़्यादा सस्ती मेरे को कार पड़ती है, ये बिल्कुल रियलिटी है। ये कोई 1.5 रुपये या 2 रुपये के आसपास की इसकी एवरेज है, मैंने कैलकुलेट करी थी, तो उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसको आप देख लेना। और वैसे फुल होने पे ये अभी फ़िलहाल जो चल जाती है 180, 190, 195 के आसपास चल जाती है, वो CNG की प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, कि जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो CNG ज़्यादा आती है, जब प्रेशर कम होता है तो CNG कम आती है। तो उसके ऊपर हम आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने वाले हैं, मतलब सारी चीज़ डिटेल में कवर करूँगा कि कितनी एवरेज दे रही है विदाउट CNG, वो विदाउट CNG कह रहा हूँ, पेट्रोल पे क्या एवरेज निकाल रही है अपनी कार, और CNG पे क्या एवरेज निकाल रही है, विद AC क्या निकाल रही है, और विदाउट AC क्या निकालने वाली है। तो उसकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए। और अभी जो जैसा मैंने बताया आपको कि 180, 190, 195 किलोमीटर चल जाती है ये फुल होने पर, और जो अभी आपका अलॉय लग चुके हैं, तो इसके बाद इसकी देखते हैं एवरेज कितनी गिरी है, तो वो सब आपको बता दूंगा। और अगर आपको यार यहाँ तक आप सभी ने वीडियो देख ली, तो यार लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो यार मेरे चैनल को। तो आपके सारे डाउट्स जितने भी थे मैंने क्लियर कर दिए, अगर कोई रह गया हो तो यार कमेंट मार दो, तुम्हारा भाई सब क्लियर वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, कोई ऐसी बात नहीं है। और जैसे कि आप सभी ने बहुत अच्छी चीज़ सुनी होगी, जैसे कि सराउंड साउंड आप सभी को बहुत पसंद है, तो यार उसके लिए मैंने आप सभी के लिए बहुत बढ़िया हैक निकाल दिया। अगर किसी की कार में DSP VSP कुछ भी नहीं है ना, उनके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, तो जल्दी बने रहो। अगर किसी के पास, आपने एक चीज़ और भी सुनी होगी, अगर आपके कार में भी सिस्टम नहीं है ना, तो आप अपनी कार में सराउंड साउंड वाला सिस्टम लगा के, मतलब कि ऑडियो बनाकर, ऑडियो कैसे बनती है वो सारी चीज़ें बताऊंगा, कि वाली ऑडियो सराउंड वाली ऑडियो कैसे बना के आप इंस्टाग्राम रील पर अपलोड कर सकते हैं, तो वो सब बताने वाला हूँ। तो यार बने रहिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप सभी के लिए लाने वाला हूँ। इंस्टाग्राम मेरा आ ही रहा होगा स्क्रीन पर, तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा आप सभी लोगों को।
तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं यार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो यार जरूर सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि आप सभी ने ना यार वीडियोस तो देख रहे हो पर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर जरूर कर देना हमारी वीडियोज़ को। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।